आज की क्लास में इंशाल्लाह ये मैथ्स में का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट कर देंगे इसको इंशाल्लाह। देखो इसमें एक चीज़ समझना है अपने को। सपोज़ एक बार रिवाइज़ कर लीजिए आप लोग, एक बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता भाई? एरिया होता लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? 2 × L + B, ठीक है। और वैसे सपोज हाफ सर्किल है, समझो क्या बोलते हैं उसको, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का क्या होगा याद लेना, एरिया क्या होता है सर्किल का? आधा सर्किल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वेयर बाई टू। ये क्या हो गया एरिया सेमी सर्किल का। वैसे सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस बोलेंगे ना, सर्कमफ्रेंस। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 π r, इसका आधा बताओ बाई टू, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? π r। तो याद रख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ भी तो पेरीमीटर तो आता आप लोग को। सेमी सर्कल का एरिया क्या है? π r² / 2। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 π r का आधा यानी π r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विंडो, ए विंडो इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या भाई? एक विंडो है इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। सपोज ये विंडो है इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, सराउंडेड बाई ए सेमी सर्कल, सराउंडेड बाई ए सेमी सर्कल। सपोज ये सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है? इसका पेरीमीटर दे रहा है 20। फाइंड द मैक्सिमम एरिया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। एक काम करेंगे अपन, देखो इसका सपोज लेंथ एल ले, एक्स ले लिया हमें, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा? एक्स। इसका रेडियस आर ले लो, तो इधर भी आर हो गया, 2 r हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता 2 r, यानी इसका ब्रेथ हो गया 2 r, 2 r। अब इसका क्या है सरकमफ्रेंस, वो तो ये ऊपर का हिस्सा क्या होता? π r, पता है ना अभी सरकमफ्रेंस क्या होता? आधा होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला बनाएंगे कैसा। पेरीमीटर क्या दे डाला बोलो, लेट लिखते तो लिख डालिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या ले लिए हम? एक्स। और ब्रेथ क्या ले लिए बोलिए? ब्रेथ ले लिए 2 r, है ना। नहीं तो फ्रॉम द फिगर इधर सीधा इधर में, फ्रॉम फिगर। पेरीमीटर क्या दिया बोलिए? पेरीमीटर दिया अपने को 20। तो पेरीमीटर क्या होगा? देखिए ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये अंदर का नहीं लेना, ये ऊपर का हिस्सा। ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता। ये अंदर क्योंकि अंदर का हिस्सा नहीं लेते, पेरीमीटर क्या लेंगे? ये आउटर साइड्स है ना। तो अपन क्या करेंगे, आप देखो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2 x प्लस आर प्लस आर 2 r प्लस पाई आर इक्वल्स टू 20। एक काम को इसमें से x माउंट कर लेंगे, तो क्या होगा ये 2 x इक्वल्स टू 20 - 2 r माइनस पाई आर। 2 भी लेके चले उधर, x इक्वल्स टू 20 - 2 r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाई 2। इसको फिल हो तो 1 नोट कर लो, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये आ गया, उसके बाद एरिया मैक्सिमम होना हो रहा है। लेट एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू दो चीज़ें यहाँ पे, एरिया ऑफ, एक तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? 2 r, लेंथ इंटू ब्रेथ। प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? π r² / 2, π r² / 2। अब एक काम को इसमें से x मान कर लेना हम, तो a इक्वल्स टू पहले 2 इधर होगा, फिर x क्या होगा? बस 20 - 2 r माइनस π r डिवाइडेड 2 इंटू आर। प्लस देखिए 2 पहले डाला मैं, x, x क्या है बस 20 - 2 r माइनस π r डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस π/2 r². एक काम को ये 2 2 कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। r से मल्टीप्लाई कर लो, 20 r - 2 r² माइनस π r² प्लस π/2 r², ठीक है। एक बार देख लो तो एरिया इक्वल्स टू आर इंटू 20 20 r 2 r² π r² प्लस। एक काम को एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम क्या आता है? 2। तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे आप, तो क्या आएंगे बोले यहाँ पे, ये 2 20 = 40 होता, 40 r माइनस 2 2 = 4 r² माइनस 2 π r² प्लस π r² लास्ट है। देर फोर ऐसे इधर में एरिया इक्वल्स टू ये 1/2 बोल के बाहर डालो। अब सबसे पहले क्या करो, 40 r तो एज इट इज इधर में, 40 r माइनस 4 r² माइनस 2 π r² प्लस r² होता माइनस π r². अब मैक्सिमम या मिनिमम कैसे क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास? r, इसलिए dA/dr इक्वल्स टू 1/2 इंटू
टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता ना, आर का वन हो जाएगा 1 × 40, 40 आर स्क्वायर हो जाएगा 2 आर, 2 यहाँ पे आया तो 2 × 4 = 8 आर हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर क्या होता है 2 आर, तो 2 इधर आ गया तो 2 पाई आर। एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 2 कैंसिल करा लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 कॉमन लिए तो क्या होता है 20 − 4 आर, 20 − 4 आर माइनस पाई आर। अब ये 2 2 कैंसिल, देयरफॉर डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू क्या गया बोलिए 20 − 4 आर माइनस पाई आर। देखिए नीचे जगह कम है, यहाँ पे कंटिन्यू करा रहा हूँ मैं। अब मैक्सिमम या मिनिमम कैसे क्या करना है, इक्वल टू 0 करा लो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम जो भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, डी आर बाई डी ए इक्वल्स टू 0, तो क्या आएंगे बोलिए डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारे पास 20 − 4 आर माइनस पाई आर इक्वल्स टू 0। इसमें से आर मालूम कर लो आप, तो 20 ये दो उधर लेके चले गए समझो, 4 आर + पाई आर, आर कॉमन ले लो 20 = r कॉमन लिए तो 4 + पाई, ये 4 + पाई इधर ला लो डिवाइड होता है, देर फोर आर इक्वल्स टू 20 / 4 + पाई, ये आर की वैल्यू आ गई। एक काम करेंगे हम, मैक्सिमम एरिया बताना है ना, तो सेकंड डिफरेंशिएशन 0 भी बता डालो, ठीक है, फिर से डालो मैं डी ए बाई डी आर, ये है हमारे पास 20 − 4 आर माइनस पाई आर, फिर से डिफरेंशिएट को डी स्क्वेयर ए बाई डी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 20 तो 0 होता है, आर का 1 − 4 माइनस आर का 1 पाई, नेगेटिव आ रहा ना भाई, तो देयर फोर डी स्क्वेयर ए बाई डी आर स्क्वेयर इज लेस देन 0, देयर फोर एरिया इज मैक्सिमम। अब आर की वैल्यू आई ना, अपने को पूरा एरिया मालूम करना है अपने को, तो एक तो क्या है भाई, हम आर मालूम कर लिए ना, एक काम करो ना भाई, अभी एरिया की वैल्यूज है अपने पास, ये पूरा है ना एरिया का वैल्यू, सॉल्व के बाद लास्ट में जो बचा इसमें आर की वैल्यू डालेंगे हम, इसमें आर की वैल्यू डालेंगे तो सॉल्व हो जाता, ठीक है ना भाई, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन यहीं पर बता देता हूँ। अब ये आर की वैल्यू क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग एरिया, चाहे तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर एक्स मालूम करना पड़ता, इसलिए एक्स का मालूम करते सीधा इसको 1 नोट कर लो, इसको 1 नोट कर लो। अब मैक्सिमम एरिया कैसे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम एरिया कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग आर इन वन, वन क्या है हमारे पास, ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या है एरिया, 1/2 इंटू 40 आर माइनस 4 आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। एक काम को सब्स्टिट्यूट करने से पहले कॉमन ले ले रहा हूँ, 1/2 इंटू आर कॉमन ले लिया, 40 − 4 आर माइनस पाई आर, ये दोनों में से माइनस कॉमन भी ले लो ना, और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर, 40 − r कॉमन ले लो तो क्या होता है 4 + पाई, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं ना भाई, सब्स्टिट्यूटिंग आर इक्वल्स टू 20/4 + पाई, तो क्या आएंगे देखिए, एरिया इक्वल्स टू 1/2 × r, 20/4 + पाई, 40 − r, 20/4 + पाई इंटू 4 + पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा बोलिए, मैक्सिमम एरिया पूछा ना, देर फोर, अब यहाँ पे देखो 4 + पाई 4 + पाई कैंसिल, 40 − 20 होता है 20 2 1 2 10, तो क्या बचा बोलिए 10 / 4 + पाई इंटू 40 − 20 होता है 20। लास्ट अब क्या बचा, 20 × 10 क्या होता है 200 / 4 + पाई, फीट्स दिया ना तो स्क्वायर फीट है ना, देयर फॉर द मैक्सिमम एरिया इज वो लिख दो, देयर फॉर द मैक्सिमम एरिया इज 200 / 4 + 5 स्क्वायर फीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए वायर ऑफ लेंथ एल इज कट इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर बेंड रेस्पेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ द पीसेस ऑफ द वायर सो दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट। मैं समझाता हूँ, सपोज देखिए इसको एक प्रैक्टिकली समझिए, आप एक वायर है आपके पास लेंथ एल, ठीक है, इसके दो पीसेस कर दिए, सपोज कुछ भी पीसेस हो सकते हैं,
अब इससे एक क्या करें, हम स्क्वायर बनाएं, एक सर्किल बनाएं, एक स्क्वायर बनाएं और एक क्या करें हम सर्किल बनाएं, है ना। अब उनके बारा फाइंड द लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ द वायर, सो डेट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट, सो डेट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट। अब ये दोनों का एरिया लिस्ट होना कैसा करेंगे, देखिए सबसे पहले एल को चेंज कर दिया ना। सपोज इसका साइड एक्स है, तो ये पूरा एक्स हो जाता, एक्स एक्स साइड्स कितने हो गए, फोर एक्स हो जाता। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस बनाना, वायर से क्या हो रहा है, इसका पेरीमीटर बन रहा, इसका पेरीमीटर बन रहा, इसका सर्कमफ्रेंस, ये गोल जो बन रहा है सर्कमफ्रेंस, तो ये टू पाई आर। अच्छा ये दो मिला दिए तो फिर एल हो जाना ना, लेट ऐसा डालेंगे लेंगे, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या ले लेंगे हम एक्स, है ना, रेडियस ऑफ सर्किल क्या ले लिया बोलिए आर। तो देर फोर देखिए, फोर एक्स प्लस टू पाई आर इक्वल्स टू एल होना, हो ना, कैसा बोलिए, ये दो पीसेस मिला है तो फिर एल हो जाना, यानी ये पूरा पेरीमीटर का और सर्कमफ्रेंस ये पूरा मिला दिए तो फिर एल है ना, इस वजह से फोर एक्स प्लस टू पाई आर इक्वल्स टू एल। इसमें से काम करेंगे अपन एल मान कर, एक्स मान कर लेंगे, फोर एक्स इक्वल्स टू एल माइनस टू पाई आर, फोर भी लेके चले, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू एल माइनस टू पाई आर डिवाइडेड बाई फोर, इसको वन नोट कर लो, बाद में जरूरत पड़ती। अभी आ गया एक्स इक्वल्स टू एल माइनस टू पाई आर बाई फोर। अब उसके बाद सम ऑफ द एरियाज बोल रहा, लेट सम ऑफ द एरियाज ए इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू, इधर होना, तो ए इक्वल्स टू ए वन क्या है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू डालेंगे इसमें से, ए इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल माइनस टू पाई आर डिवाइडेड बाई फोर, स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर ले सकते हैं या तो ऐसे, है ना, अगर आप इसको चाहे तो एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके सॉल्व करो या तो डायरेक्ट भी सॉल्व करो, वही आ जाता है आंसर। अब एक काम करेंगे इसको, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, एरिया इक्वल्स टू, ये फोर स्क्वायर सिक्सटीन होता तो वन बाई सिक्सटीन अलग कर दिया हमें, फोर स्क्वायर सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन अलग कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू पाई आर एल प्लस बी स्क्वायर यानी फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग, वन बाई सिक्सटीन ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू सॉरी टू टू जब फोर हो जाता, टू टू जब फोर पाई आर एल, ये हो गया टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जब फोर पाई आर एल प्लस बी स्क्वायर ने पूरे को स्क्वायर करना, वैसे ही आर स्क्वायर क्या होता है टू पाई आर, तो ये हो जाएगा टू पाई आर, आर स्क्वायर होता है टू आर, टू यहाँ पे आ गया तो टू पाई आर। अब इसको आप चाहे तो डायरेक्ट अभी से सॉल्व कर लो या तो एक काम करना, एलसीएम ले लो, ये इससे मिल जाता। अच्छा पूरे अलग अलग ही चलना, चलो डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर, इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। अब आर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें हम क्या कहेंगे, देखिए डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू ये वन बाई सिक्सटीन ऐसे डालो। अब विथ रेस्पेक्ट टू आर, इसमें आर नहीं है, जीरो आता, आर का डिफ्रेंशिएट वन होता, वन इंटू माइनस फोर पाई एल हो जाएगा ठीक है। इसके बाद प्लस आर स्क्वायर क्या होता है, टू आर टू फोर एट पाई आर स्क्वेयर आर ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ आर। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई भाई, यहाँ पे क्या है अपन अभी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं गए थे ना, ऐसे डालो, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर क्या होता है टू आर, तो ये हो जाएगा टू पाई आर। एक बार रिवाइज कर लीजिए, अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे ना, इसको ऐसे हूँ मैं, वन बाई सिक्सटीन, एल कॉन्स्टेंट है जीरो, आर का वन, वन इंटू फोर पाई एल, फोर पाई एल, आर स्क्वायर टू आर होता है, टू फोर ज़ा एट पाई स्क्वायर आर, वैसे टू पाई आर। अब मैक्सिमम या मिनिमम कैसे करना है, इक्वल टू जीरो करना, इक्वल टू जीरो, नहीं तो उसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू, ये दोनों में से कॉमन ले लो, ये दोनों में से कॉमन क्या था फोर, अगर कॉमन ले लिया तो माइनस पाई एल प्लस फोर टू जाना टू पाई स्क्वेयर आर, टू पाई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई क्या बोलो सिक्सटीन प्लस टू पाई आर, ये कैंसिल होता फोर वन जो फोर फोर जो, तो एल सी एम ले तो क्या आएंगे बोलिए, ये टू फोर टू जो एट हो जाता माइनस पाई आर प्लस टू पाई स्क्वेयर आर प्लस फोर पाई आर,
फोर टू ज़ा एट, सॉरी एट पाई आर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है फोर। अब इसमें से देखो दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे अपन, है ना, आर पाई भी कॉमन आया था इसमें से, कैसे आएंगे देखिए। या तो यहाँ पे ऐसे डालो ना फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी डिफरेंशिएट के इक्वल टू जीरो कह लो, तो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज माइनस पाई एल प्लस टू पाई आर टू पाई स्क्वेयर आर प्लस एट पाई आर डिवाइडेड बाई फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये फोर होता तो ज़ीरो छाता, ये पूरे में से पाई भी कॉमन ले ले सकते अपन, अगर पाई कॉमन ले ली तो क्या बचा माइनस एल प्लस कहेंगे बोलिए ये दोनों में से टू पाई आर प्लस एट आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये एल उधर लेके चले जाओ, इसमें से पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन टू आर कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचा पाई प्लस फोर, माइनस एल उधर तो प्लस एल, माइनस एल उधर तो प्लस एल। अब बोलो इसमें से एल आर की वैल्यू आ जाएंगे ना, आर इक्वल्स टू कहेंगे बोलिए एल डिवाइडेड बाई टू इंटू पाई प्लस फोर, टू इंटू पाई प्लस फोर। अब ये एल की आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अपन एक काम करेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव बता दो, पॉजिटिव बताना ना, लेस लीस्ट एरिया बोल रहा हूँ, तो फिर से एक बार सेकेंड डिफरेंशिएशन करा लेंगे, ठीक है। सेकेंड डिफरेंशिएशन अपने पास ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा ना भाई, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वेयर ए बाई डी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये जीरो होता कॉन्स्टेंट होना जीरो होता, आर का वन होता तो ये हो गया टू पाई स्क्वेयर प्लस एट पाई आर का वन डिवाइडेड बाई फोर। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं इसमें, खाली जब बता दे रहा ना भाई, पॉजिटिव आ रहा तो देर फोर डी स्क्वेयर ए बाई डी आर स्क्वेयर इज लेस देन जीरो, सॉरी इज पॉजिटिव नंबर क्या होता है ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो तो क्या होता है एरिया लीस्ट होता है ना, बाकी का बोर्ड पे ऊपर कर लेंगे, तो देर फोर एरिया लीस्ट हो गया लेस, द एरिया इज लीस्ट एट आर इक्वल्स टू, आर आ गया बाद अपन बाकी के वैल्यूज मालूम करेंगे। अब देखिए आर आ गया ना, इसमें डालेंगे एक्स आया था, कैसा बोलो एक्स इक्वल्स टू ये सब्सिट्यूटिंग इन वन, सब्सिट्यूटिंग इन वन एक्स इक्वल्स टू वन बाई फोर बोल के अलग दारों में एल माइनस टू पाई इंटू आर, आर क्या है एल डिवाइडेड बाई टू इंटू पाई प्लस फोर, ये हो गया एक्स। फिर एक बार देख लो एक्स इक्वल्स टू ये नीचे का फोर ऐसे डाला में वन बाई फोर एल एज इट इज माइनस टू पाई एज इट इज आर, आर क्या गया ये टू टू कैंसिल एल सिम ले लो, तो एक्स इक्वल्स टू वन बाई फोर इंटू एल इंटू पाई एल पाई होता प्लस एल इंटू फोर फोर एल माइनस पाई एल डिवाइड बाई पाई प्लस फोर। अब ये क्या होगा देखिए ये कैंसिल होता एल पाई कैंसिल ये फोर फोर कैंसिल देर फोर एक्स इक्वल्स टू क्या गया एल बाई पाई प्लस फोर, ये हो गया एक्स। देर फोर हमारे पास दो है ना, दो पीसेस क्या है लेंथ ऑफ द पीसेस आर लेंथ ऑफ पीसेस ऑफ वायर, क्या हुआ था भाई एक स्क्वायर बनाए थे उसमें फोर एक्स था कॉमा, दूसरा बनाए थे टू पाई आर। अब ये वैल्यू सब कर लो, आंसर आता इक्वल्स टू फोर इंटू एक्स क्या है एल बाई पाई प्लस फोर कॉमा टू पाई आर, आर क्या आया था अपने को आर लिखा हुआ है ऊपर एल डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर, तो ये एल डिवाइडेड बाई टू इंटू पाई प्लस फोर, टू इंटू पाई प्लस फोर, तो ये क्या होंगे ये टू टू कैंसिल। बस लास्ट स्टेप देर फोर क्या होंगे बोलिए पीसेस ऑफ वायर क्या फोर एल बाई पाई प्लस फोर कॉमा एल डिवाइडेड बाई पाई प्लस फोर, है ना। अगर आप इसको ऐड कर लिए तो फिर एल ही आता, देखिए फोर कॉमन ले लेकर इसमें पाई बचा ना, सॉरी पाई एल बाई पाई एल दब अच्छा था पाई एल डिवाइडेड बाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रोडक्ट द रेडियस ऑफ ए राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, क्या वे राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी सिलेंडर क्या होना है उसका ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया लेना भी समझे थे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया ऑलरेडी, विच कैन बी इंस्क्राइब इन गिवन कोन, किसके अंदर इंस्क्राइब करें उसको कोन के अंदर, इज हाफ डट ऑफ द कोन, अभी समझाऊंगा मैं इसको। देखो सपोज एक हमारे पास कोन है ना, पहले फिगर समझ जाइए, सपोज ये कोन है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या इंस्क्राइब कर रहे बोलिए भाई,
इसके अंदर एक हम सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये टोटल आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ द कोन को मैं कैपिटल आर से बता रहा हूँ, और ये क्या है स्मॉल जो है ना, ये जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्मॉल आर से बता रहा हूँ मैं। अब एक लाइन इसके ऊपर ले लीजिए, ये क्या हो गया बोलिए, हाइट ऑफ द क्या है ये बड़ा क्या है कोन, तो इसको कैपिटल एच से बता रहा हूँ मैं। वैसे ये छोटी हाइट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, गौर से बोलिए, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ये छोटा हाइट जो है ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको स्मॉल एच से बता रहा हूँ। अब ये चीज़ों को आप बाजू को ले लीजिए, सपोज़ एक फिगर अलग से उतार के समझा रहा हूँ मैं, सपोज़ ये ट्राइंगल हो गया अपने, गौर से देखिए आप लोग। अब ये क्या लिया हम, कैपिटल आर है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसा जा रही है ना, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ऐसा ले लेना। तो और से सुनिए आप लोग, अब ये जो है ना, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे, देखो ये कैपिटल आर है ना, ये स्मॉल आर है, तो ये भी स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर हो जाता। अच्छा टोटल हाइट क्या है हमारे पास, कैपिटल एच है, टोटल हाइट क्या है, कैपिटल एच है, और ये स्मॉल एच है, तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कुछ भी नेमिंग्स कर लो, ए बी सी डी ई। अब ये दो ट्राइंगल्स ने सिमिलर रहते, ये दो ट्राइंगल्स क्या रहते सिमिलर, क्यों, ये एंगल में 90 है, ये एंगल में 90 है, ये दो पैरेलल है, तो ये क्या होता, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते, ए ए ए प्रॉपर्टी होता, वो सब समझाने की जरूरत नहीं, खाली याद रख लो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर रहते हमारे पास। तो ऐसा कहता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर सिमिलर, आर सिमिलर फ्रॉम द फिगर, बोल के दल अच्छा था, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियोज इक्वल रहते। कैसा बोलो, ऐसा कहता ना, पहले बड़ी ट्राइंगल ले लो, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ऊपर बड़ी ट्राइंगल का साइड लिख रहे, फिर नीचे छोटी ट्राइंगल। वैसे यहाँ पे बोलो कैपिटल एच बड़ी ट्राइंगल डिवाइड बाई फिर छोटी ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल का हाइट क्या है, एच माइनस एच, एच माइनस एच, क्योंकि अपने को आर मालूम करना है ना, तो इसमें हम क्या करना है, एच मालूम कर लेना, क्या मालूम करना, इसमें से हम एच मालूम कर लेंगे अपन, ठीक है, अब क्योंकि अपने को स्मॉल एच मालूम कर लेंगे अपन। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करते तो आर आता, इसको एक काम करो ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समझो आर इंटू एच माइनस आर एच इक्वल्स टू स्मॉल आर इंटू एच, स्मॉल एच मालूम करना ना, ये दला लो, ये दला लो, कैपिटल आर एच माइनस स्मॉल आर एच इक्वल्स टू आर इंटू एच। अब कैपिटल आर इसमें से एच कॉमन ले लो, आर माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या लेंगे बोलिए, डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू एच, तो ये आ गया एच हमारे लिए। तो कैसा करें, एक बार रिवाइज कर लीजिए, कैप है ना, बड़ी ट्राइंगल का साइड फिर छोटी ट्राइंगल का साइड डिवाइडेड बाई, वैसे यहाँ पे बड़ी ट्राइंगल का हाइट डिवाइड बाई छोटी ट्राइंगल का हाइट, ठीक है ना भाई। तो अब ये ले लिए हम, अब यहाँ पे आ जाइए, देयर फॉर नेक्स्ट स्टेप, अब क्या पूछ रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा ना, तो लेट कर्व सरफेस एरिया कॉमा ए इक्वल्स टू, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्या टू पाई आर एच, अब हम कैपिटल ये स्मॉल लिए ना स्मॉल एच, अब स्मॉल एच इसमें से निकाल के रख डालो, ए इक्वल्स टू टू पाई आर इंटू स्मॉल एच क्या है हमारे पास, एच इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। अब ये स्मॉल आर से डिफ्रेंशिएट करना है अपने, तो बाकी ऐसे डालो टू पाई एच, ऐसे डाला हम टू पाई एच ऐसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर इंटू आर, आर स्क्वेयर बाई कैपिटल आर। अब मैक्सिमम या मिनिमम कैसे क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करना पड़ता, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जो कोन है उसका राइट एड्रेस तो चेंज नहीं होता, वो तो वही रहेगा, अंदर जो डाल रहे हम है सिलेंडर, इसका कोन का रेडियस चेंज होता है, सो उसे स्मॉल आर से डिफरेंशिएट करना। तो ये हो गया डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू, ऐसे डाल लो टू बाई एच बाई आर एज इट इज। अब विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर डिफरेंशिएट करना, आर का वन होता है वन इंटू आर आर, और आर स्क्वायर क्या होता है टू आर। अब यहाँ पे और एक स्टेप बता दो, तो मैं एक काम करना बेट, और एक बार डिफरेंशिएट यहीं कर ले रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग और एक बार डिफरेंश कर तो क्या होता है डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू विथ रेस्पेक्ट टू आर ना, ये पूरा कॉन्स्टेंट है मेरे पास, इसको ऐसे डालो टू पाई एच बाई आर, विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर करें ना, तो ये जीरो होता आर का वन माइनस टू, तो माइनस क्या नहीं कहेंगे बोलो लेस देन जीरो, तो मैक्सिमम एरिया बोले सर, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम,
कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ करना है ना अपने को, इसलिए देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, इंडिपेंडेंट है ना कुछ भी हो मैक्सिमम होता है, लेस देन जीरो आ गया खत्म मैक्सिमम। अब अपन क्या करना है बोलो, शोल्डर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल बनाना, तो हम आर की वैल्यू मालूम कर लो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, क्या करना है हम एफ डैश आर इक्वल्स टू जीरो यानी डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा टू पाई एच बाई कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर माइनस टू आर इक्वल्स टू, ये पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो गया, क्या बचा आर माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो, उधर लेके चले माइनस टू आर इक्वल्स टू माइनस टू आर इक्वल्स टू माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल, आर इक्वल्स टू आर बाई टू आ गया ना भाई। दे फॉर द रेडियस ऑफ द, लिख देना आंसर, दे फॉर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन, हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो ये क्लास यहाँ पे ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे।